पितरों के प्रति श्रद्धा का महापर्व पितृपक्ष शुरू हो गया है। पितृपक्ष में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग श्राद्ध और तर्पण करते हैं। पितृपक्ष के इन 15 दिनों में कई ऐसे काम भी है जिनकी मनाही शास्त्रों में बताई गई है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से न सिर्फ धन की हानि होती है बल्कि पितर भी नाराज होते हैं। आइए जानते हैं काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित संजय उपाध्याय से कि पितृपक्ष के दौरान क्या कुछ करने से लोगों को बचना चाहिए। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। विशेष करके हमको दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, हमें बाल नहीं बनवाने चाहिए, हमको तेल नहीं लगाना चाहिए, हमको साबुन नहीं लगाना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। हमें भूमि पर शयन करना चाहिए। भोजन के रूप में देखा जाए तो हमें तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए, मदिरा का त्याग करना चाहिए। और कुछ बाहरी जगत की बात देखी जाए तो हमें वाहन नहीं खरीदना चाहिए। इस समय ये पितरों का समय है, इस समय हमको वाहन नहीं खरीदना चाहिए, इस समय हमको कोई नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए, इस समय हमको जो है भूमि नहीं खरीदना चाहिए, इस समय हमें कोई भूमि पर कोई नया निर्माण नहीं करना चाहिए, इस समय कोई टीवी हो या कोई पात्र हो या कोई वस्तु हो घर में या वस्त्र हो, इन चीज़ों की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। जय विश्वनाथ।